जनता ने जिस तरह से महंगाई के विरोध में सोशल मीडिया पर जिस तरह के कमेंट्स आए, उसमें ऐसे लगने लगा था, और एक तरफ स्मृति ईरानी जी का फोटो होता था, दूसरी तरफ ये लिखा होता था कि महंगाई डाइन खाए जात है, तो उससे ये लगता था कि कहीं ना कहीं शायद ये स्मृति ईरानी जी पर हमला है। लेकिन सच्चाई ये थी कि स्मृति ईरानी जी 2013 और 14 में जिस तरह के विरोध करती थी, जिस तरह का तरीका था, तो निश्चित रूप से जनता से उनको बहुत उम्मीद थी, और जनता ने उनको कहीं ना कहीं ये बताने का काम किया कि आप पहले बोलती थी अब चुप क्यों हैं। तो प्रधानमंत्री जी को चुप्पी तोड़नी पड़ी और प्रधानमंत्री जी ने सिलेंडर के दाम में 200 रुपये की कमी कर दी। पूरे देश में इस तरह का माहौल बनाया गया कि रक्षाबंधन पे बहनों को तोहफा देने का काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। मणिपुर की बहनों को क्या तोहफा दिया आपने, पहलवान बहनों को क्या तोहफा दिया आपने, रक्षाबंधन में बहन की रक्षा करने का संकल्प लिया जाता है, किन बहनों की रक्षा कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, मध्य प्रदेश में जिस तरह की घटनाएं सामने आई, मणिपुर में जिस तरह की घटना सामने आई, प्रधानमंत्री जी ने 36 सेकंड से ज़्यादा उस पर बोलना भी मुनासिब नहीं समझा। लेकिन रक्षाबंधन के दिन ऐसा माहौल बनाया गया मानो कि इसी गैस के सिलेंडर से माताओं और बहनों की इज्जत बचेगी। जो आप देखेंगे तो जो पिछले 9 सालों में सरकार ने रसोई गैस के दाम में लगातार बढ़ोतरी करके जनता से 31.37 करोड़ लोगों को लूटने का काम किया, और सिर्फ हमारे उज्ज्वला बहनों से ही 2017 से अब तक मोदी जी ने 68,702 करोड़ रुपए लूटने का काम किया। तो इन सब चीज़ों के लिए प्रधानमंत्री जी को हमें लगता है संजीदगी से देखना और समझना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कि इंडिया की बैठक है, इंडिया की तीसरी बैठक होने जा रही है, 5 राज्यों में चुनाव है, तो 200 रुपए कम कर देंगे तो जनता का ध्यान इधर भटक जाएगा। उधर अडानी जी जो घोटाला कर रहे हैं, जो अखबारों में खबरें आ रही है, उससे ध्यान हट जाएगा। आखिर ये कब तक करते रहेंगे? जनता है, सब जान चुकी है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।